We have Adi Moolam, who's the president, Mumbai unit of Rajinikanth Fans Association. Adi Moolam, we just spoke a short while back. Adi Moolam ji, आप मेरे को ये बताइए कि तलेवर अभी मुंबई में है अपने सेकेंड लेग ऑफ शूटिंग में. आप लोग मिल चुके हैं उनसे, उनका क्या कहना है? जैसे ही उनकी उनकी जो रजनीकांत फैंस क्लब है, जैसे ही वो एक पार्टी खोलेंगे, आप फैंस क्लब रहोगे या पार्टी के मेंबर्स होंगे? बताइए आदि मूलम जी. सारे बहनों भाई को सबको नमस्कार कर रहा हूँ जी. मैं जो है महाराष्ट्र का वर्ल्ड सुपरस्टार रजनीकांत फैंस वेलफेयर एसोसिएशन का महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है जी. माय नेम इज तलपति एस के आदि मुलाम, स्टेट प्रेसिडेंट. और मैं ये अभी हम लोग का मंडल खोल के अभी 28 साल हो रहे हैं. ये 28 साल में हम लोग आगे अभी तक आदि मूलम जी, सवाल ये है कि वी नो दैट रजनीकांत जी इज हियर, यहाँ पे शूटिंग चल रहा है. सवाल ये था कि जब ये पॉलिटिकल पार्टी शुरू करेंगे तो आप सिर्फ उनके फैंस रहेंगे या आप उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स भी रहेंगे? पहला फैंस है. फैंस तो लास्ट तक रहेगा मरने तक. और पॉलिटिक्स खोलेगा तो पहला हम लोग आके हम लोग तलेवा का जो छाते एक्टिविटी उससे हम लोग 100 गुना ज्यादा हम लोग एक्टिविटी से रहेगा. उतना एक्टिविटी के वापस आप बॉम्बे में पुणे ऐसा महाराष्ट्र में 150 ब्रांचेस है, वो सब पूरा फैंस क्लब ब्रांच सब पूरा पार्टी हो जाएगा. पार्टी की वजह से अभी कांग्रेस बीजेपी शिवसेना ऐसा हम लोग भी पार्टी के जैसे ही पार्टी खोलने के बाद में हम लोग भी एक्टिविटी पब्लिकली एक्टिविटी करेगा. हम लोग भी इलेक्शन में आएगा तो हम लोग भी चुना के आएगा. और पब्लिकली जो हम लोग तलेवा जो पब्लिकली क्या क्या करना करके सोच रहे हैं, उनका मेन पब्लिक का जो कैसा नीचे रहने वाले को ऊपर आना चाहिए, ऊपर रहने वाले को नीचे रहने वाले को लेकर आना चाहिए. ऑल राइट आदि मूलम जी, थैंक यू आपके इन्फॉर्मेशन के लिए. देयर यू हैव नविका, देयर यू हैव आनंद ऑन रिकॉर्ड. रजनीकांत फैंस एसोसिएशन प्रेसिडेंट फॉर महाराष्ट्र सेज दैट मैसेज हैज बीन सेंट अक्रॉस. दे आर ऑल रेडी. द मिनट दैट रजनीकांत सेज दैट ही इज लॉन्चिंग अ पार्टी, द एंटायर फैंस association converts itself into a political party.